साथियों, नॉर्थ ईस्ट में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है। केंद्र सरकार आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। आज नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये कनेक्टिविटी दिलों की भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ने का काम पूरा होने वाला है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आज नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण पूर्वी एशिया से भी कनेक्ट हो रहा है। बीते वर्षों में जो प्रयास हुए हैं उसकी वजह से हम नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए उत्साह अनेक गुना बढ़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट से वहां पर टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल मेडिसिन, ऑयल पाम, इसका पोटेंशियल बहुत बड़ी मात्रा में है। हमें पूरी तरह इस पोटेंशियल को निखारना होगा, देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनाना होगा। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी यहां के लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए तो जरूरी है ही। एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये एक तरफ से म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारे सामाजिक व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देती है। प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, इतना सामर्थ्य दिया है, यहां विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है।